नहीं जाना चाहिए, राखी काफी टाइम से यूरोप्स गॉन है और फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई उनकी, क्या कहना चाहूंगे आप तीनों? सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक्स टू पीपल, थैंक्स टू फाल्कन लीगल, थैंक्स सैफ भाई, सब लोग की बहुत सारी मेहनत लगी इस चीज़ करने में जो ना होने बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बहुत सारे संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एक झूठा केस बना के मुझे 3 घंटे में अरेस्ट करके 6 महीने की सज़ा जो करवाई थी, वो आज जाके 3 महीने लगे 67A का केस FIR रजिस्टर करवाने में अम्बोली पुलिस स्टेशन में। फाइनली उन लोगों ने इतनी सारी क्वेरीज दी थी हम लोगों को कि इंस्टाग्राम के लिंक लाओ, चीज़ें ला के दो, हमने हर चीज़ का जवाब दिया उन लोगों को, फिर जाके FIR हुई। जैसे FIR हुई राखी वाज अब्सॉन्ड, दुबई जाके रहने लगी। अभी हो गई उस चीज़ को लेके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, अब फाइनल उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके, अभी की सेशन कोर्ट में हम लगातार फाइट करते रहे, डेट पे डेट जाती रही, हम लोग डटे रहे, तो आज वो दिन आया है व्हेन वी आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, राखी की फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई है। बिकॉज जज का ये कहना है कि वो हैबिचुअल अफेंडर है, ऑलरेडी 67A का एक केस शर्लिन चोपड़ा का राखी के ऊपर दर्ज है, उसके बेल पे वो बाहर थी, उसके बावजूद उसने दोबारा ये सेम घिनौनी हरकत की है, सेम 67A न्यूडिटी को दिखाना, जो मैं बार बार कहता था लोगों को कह के कि मैं थक गया था कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने वीडियोस नहीं शूट किए थे, ये राखी का पेशा है। आज मैं इस सबूत के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मैंने नहीं किया था। नाउ शी हैज टू अप्लाई फॉर हाई कोर्ट, ये होगा अभी प्रोसीजर। पर काशिफ खान ने अपनी दलील में ये भी मेंशन किया कि वो शूट किया गया था आपके ही मोबाइल से और आपके की ये तरफ से, वही तो बोलने की वो कोशिश कर रहे थे जज को, लेकिन हमने पूरे हमारे प्रूफ दिए थे हमारे हाथ से उनको, उसी के बेसिस पे उन्होंने बेल रिजेक्ट की। बेल एक दिन में रिजेक्ट नहीं की गई थी, उन्होंने भी कम से कम 4 डेट लिए, 4 डेट लिए, उन्होंने जांच की प्रॉपर। FIR लेने से पहले इंस्पेक्टर ने हर बारीकी से उसको देखा, उसके बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज की, उसके बाद जज ने भी 4 डेट ली, 4 डेट के बाद उन्होंने बेल रिजेक्ट की। चल देरी सही बट दुरुस्त फैसला आया, और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपकी मॉम काफी अपसेट रहती थी और टेंस रहती थी ये मामले को लेकर। देखिए राखी के ऊपर सेवरल केसेस हमने किए, सेवरल केसेस, ये तो एक मैं कहूँगा अगर पूरे केसेस की बात करूँ तो बहुत छोटे केस में हमें जीत मिली है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं सिंसियरली चाहता हूँ, जैसे मेरे दिल में है, एक बार वो जेल देख कि जेल क्या होती है, जेल में वक्त बिताना क्या होता है, आप कुछ भी ना करके जेल जाके जो आप फील करते हो उसको पता होना चाहिए। उसको इतना गिल्ट भी नहीं होगा, एक्चुअली उसने बहुत कुछ किया है, और जो मैंने सफ़र किया है, जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, हाँ आज मेरी फैमिली थोड़ी रिलैक्स है चीज़ों को लेके कि एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। बट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज जाके आज मैं बात कर पा रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस नहीं बनाए थे, ताकि जो माहौल बना था, जो लोग मुझे पोर्ट्रे करते थे, जो तरीके से मुझसे बात करते थे, ये सब चीज़ों को ना प्रूव करने में बहुत वक्त जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो रही हैं चीज़ें। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को। वेल जेल से अगर बात करूँ तो क्या राखी अगर यहाँ पर आती है कभी तो उन्हें जेल हो जाएगी? हाजी भाई आपसे और सुरेश जी आपसे जाना चाहिए। देखिए क्या है ना, जब सेशंस कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट किया था तो उनको 11 तारीख तक की प्रोटेक्शन दी थी जो कि कल थी, तो जो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो आज से उनको प्रोटेक्शन नहीं है, तो मुंबई पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, आज ही अरेस्ट कर सकती है, या जब भी जहाँ भी देखे उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जो जैसा आपका कहना है कि वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी, तो बेशक आज से उनका प्रोटेक्शन खत्म है, जब तक वो हाईकोर्ट मूव करते हैं, पिटीशन डालते हैं, फिर हाईकोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि ठीक है आप इनको इंटरिम दीजिए या नहीं दीजिए, तब तक तो राखी फुल तरह से अरेस्ट हो सकता है। आज मैंने हमारे IO से बात की बहुत देर तक, IO का कहना ये था, जब मैंने उनको कहा सर वो आती है तो अरेस्ट कर लो, उन्होंने बिल्कुल अरेस्ट करेंगे और तुम टेंशन मत लो, जो प्रूफ आप लोगों ने दी है हाई कोर्ट में भी उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम रिलैक्स करो। मैंने कहा सर हाई कोर्ट में तो बेल मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना कुछ हमें दे दिया है क्रेडेंशियल्स जो तुमने हम लोगों को सबमिट किया है, अभी वापस हम लोगों को हाई कोर्ट डिमांड करेगी तो हम लोग जाके देंगे, और भी 2-4 चीज़ें हैं, 2-3 लोगों का स्टेटमेंट होना बाकी था वो भी हो जाएगा ये हफ्ते में, तो सब कुछ लेके जाके जब वो देंगे तो उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र रहो, और दूसरे जो आप केसेस आपने लगाए हैं उनके विटनेसेस लाओ और वो भी FIRs पूरे के पूरे मेक श्योर करो कि हो जाए।
ओके, आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे, सेठ सर और सोल सर आपसे, अभी फिलहाल के लिए एब्सकॉन है वो, आई एम सो सॉरी इंटरप्टिंग, सबसे पहले मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, राखी से मेरी शादी इनवैलिड है, मेरी शादी नहीं है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। एक संविधान में एक लड़की एक ही बार शादी कर सकती है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है प्रॉपर तरीके से रितेश से, और उसके अलावा भी कितने से साथ मुझे नहीं जानना है, मैं सिर्फ रितेश की बात करूंगा, तो मेरी शादी उसके साथ इनवैलिड है, तो मैं राखी का एक्स हस्बैंड बिल्कुल नहीं। हाँ, अब कुछ पूछ रहे हैं, पर अभी ये जानना चाहेंगे क्या कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि राखी को यहाँ पर आना जरूरी है या नहीं है, बिकॉज अभी जो प्रोटेक्शन भी कैंसिल